6700 फीट के ऑल्टीट्यूड पर स्थित मनाली अपने ओक, देवदार और पाइन फॉरेस्ट, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, एडवेंचर एक्टिविटीज और अमेजिंग लैंडस्केप की वजह से फेमस है। मनाली आज के टाइम पे हर तरह के ट्रैवलर्स की पहली पसंद है, और अगर आप भी मनाली की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मनाली की एक प्रॉपर टूर गाइड कि आप कैसे मनाली आ सकते हैं, यहाँ अगर आप क्या क्या विजिट कर सकते हैं और कैसे आप अपनी इस ट्रिप को मेमोरेबल बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप मनाली पहुंचेंगे कैसे। अब मनाली का खुद का कोई एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पहुंचने का बेस्ट तरीका है बाय रोड। दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला और धर्मशाला जैसी जगहों से मनाली के लिए रेगुलर वोल्वो और स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें चलती हैं, जो कि आपको 800 से 1500 रुपए में मनाली पहुंचा देगी। दिल्ली से मनाली 12 घंटे और चंडीगढ़ से मनाली 8 घंटे लंबी जर्नी है, और अगर आप चाहें तो अपने पर्सनल व्हीकल या कोई कैब हायर करके भी यहां आ सकते हैं, और इस रास्ते पे भी आपको बहुत ही बढ़िया व्यूज देखने को मिलते हैं। हालांकि अगर आप नॉर्थ इंडिया के अलावा कहीं और से मनाली विजिट करने आ रहे हैं तो आप भुंतर एयरपोर्ट तक की फ्लाइट भी ले सकते हैं, और भुंतर से मनाली आप कैब हायर करके 1 से 1.5 घंटे में मनाली पहुंच सकते हैं। मनाली पहुंच के सबसे पहले आपको अपने होटल में जाके कुछ देर रेस्ट करना चाहिए। मनाली में आपको लग्जरी और बजट दोनों कैटेगरी के होटल्स, रिजॉर्ट्स और होमस्टेज देखने को मिल जाएंगे, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने होटल या होमस्टे ओल्ड मनाली में ही बुक करें। मनाली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, न्यू मनाली और ओल्ड मनाली। न्यू मनाली में जहां आपको मॉल रोड, शॉपिंग सेंटर और टूरिस्ट का क्राउड देखने को मिलता है, वहीं ओल्ड मनाली में आपको नेचुरल ब्यूटी, पीसफुल वाइब्स और लेस क्राउडेड जगह देखने को मिलती है, और इसी वजह से आपके स्टे के लिए ओल्ड मनाली बेस्ट प्लेस है। दोस्तों, मनाली को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आप यहां से बाइक या कार भी रेंट पे ले सकते हैं। बाइक्स आपको यहां 600 से 1500 रुपए पर डे और कार 1500 से 2500 रुपए पर डे के हिसाब से रेंट पे मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको मनाली जैसी एडवेंचरस रोड्स पे ड्राइव करने का एक्सपीरियंस नहीं है तो एडवाइजेबल यही होगा कि आप यहां से एक प्राइवेट कैब हायर करें, जिसे ड्राइव करने के लिए आपके साथ एक एक्सपीरियंस ड्राइवर होगा। मनाली अगर आप सबसे पहले वशिष्ठ टेम्पल में विजिट कर सकते हैं, जो कि 4000 साल पुराना एंशियंट हिंदू मंदिर है। ये मंदिर रामायण काल के ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है, जो कि भगवान राम और लक्ष्मण जी के गुरु भी थे। इस मंदिर के पास एक हॉट वाटर स्प्रिंग भी है, जहां पूरे साल गर्म पानी बहता है, और माना जाता है कि इस पानी में काफी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है, जिससे हमारी स्किन की काफी सारी प्रॉब्लम्स क्योर भी हो जाती है। यहाँ पे लेडीज और जेंट्स के लिए प्रॉपर अलग अलग बेदिंग एरियाज बनाए हुए हैं, और इस मंदिर में आकर आपको इस हॉट वाटर स्प्रिंग में डुबकी भी जरूर लगानी चाहिए। वशिष्ठ टेम्पल विजिट करने के बाद आपको यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर जोगिनी फॉल्स तक का ट्रैक भी जरूर करना चाहिए। जोगिनी फॉल्स मनाली का एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, और इसे और भी सुंदर बनाता है वशिष्ठ टेम्पल से यहाँ तक का ट्रैक, जो कि पाइन ट्रीज और एप्पल गार्डन से होते हुए गुजरता है। अगर आप नेचर और एडवेंचर लवर हैं तो इस ट्रैक को आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। वशिष्ठ टेम्पल से जोगिनी फॉल्स तक के इस ट्रैक को कंप्लीट करने में आपको करीब 3 घंटे लगेंगे, और रास्ते में आपको कुछ छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, जहां आप कुछ रिफ्रेशमेंट्स ले सकते हैं। जोगिनी फॉल्स 160 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल है, और अगर आप चाहें तो इसके टॉप तक का ट्रैक भी कर सकते हैं, जहां से आपको मनाली वैली का बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिलता है। मनाली आकर आपको यहाँ के सबसे फेमस और सबसे सीनिक रोहतांग पास पे विजिट करना बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। 13000 फीट से भी ज्यादा के ऑल्टीट्यूड पे स्थित रोहतांग पास हिमालयस के सबसे ऊंचे पासेस में से एक है, और यहाँ से आपको हिमालयस के पीर पंजल रेंज का बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिलता है। रोहतांग पास मनाली से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ के स्नो कैप्ड माउंटेन्स और नेचुरल ब्यूटी का जो व्यू आपको देखने को मिलता है, उसे वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। रोहतांग पास इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे स्थित है कि समर्स के टाइम पे भी आपको यहाँ काफी ज्यादा स्नो देखने को मिलती है, जो कि यहाँ के लैंडस्केप को और भी ज्यादा सुंदर बना देता है। रोहतांग पास पे विंटर्स में इतनी हैवी स्नोफॉल होती है कि इसे नवंबर से मार्च तक कम्प्लीटली बंद कर दिया जाता है, और आप सिर्फ मई से अक्टूबर तक ही यहाँ विजिट करने आ सकते हैं। रोहतांग पास पे पहुंच के आप यहाँ के पैनोरामिक व्यूज और नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के अलावा माउंटेन बाइकिंग, स्नो स्कूटर, स्लेज राइड और स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज का भी मजा ले सकते हैं।